की सौंधी खुशबू अमूमन हर किसी को पसंद आती है। अगर इस सौंधी महक में रबड़ी की मिठास घुल जाए तो फिर क्या कहने। भोपाल में दिवाली से पहले जहां मिट्टी के दिए बर्तनों की मांग बढ़ गई है, वहीं अब मिठाइयों को भी मिट्टी के बर्तन में सप्लाई करने की तैयारी है। कुछ दुकानदारों ने तो कुल्हड़ वाली चाय और कॉफी के अलावा अब आइसक्रीम, फालूदा, रबड़ी और रसगुल्ले भी कुल्हड़ और मटकी में रखकर बेचना शुरू कर दिया है। मिठाइयों में सौंधेपन के स्वाद के साथ साथ ठंडक भी रहती है, जो लोगों को खूब लुभा रही है। वहीं डिस्पोजल पैकेट और पॉलिथीन जैसी चीजों की जगह इको फ्रेंडली मिट्टी के बर्तनों में मिठाई की पैकिंग का कंसेप्ट दुकानदारों को भी पसंद आ रहा है। से प्लास्टिक बैन हुआ है, लोग पेपर पे शिफ्ट हो गए, पर मेरा मानना यह है कि पेपर से अच्छा ठंडक और खाने पीने का टेस्ट और एहसास जो मिट्टी की चीज़ों में आता है वो किसी भी चीज़ में नहीं आता। हाँ बिल्कुल, गुलाब जामुन आता है, रबड़ी आती है, फलूदा आता है, क्रीम आती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ हर चीज़ में मिट्टी के उसका प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जाता है। आप प्लेट कह लें, ग्लास कह लें, मटका कह लें, वाटी कह लें, कप कह लें, सब में हम लोग मिट्टी का यूज़ करते हैं और हम धीरे धीरे उसको और बढ़ाते चले जा रहे हैं। मिट्टी के महक वाले मिठाइयों का क्रेज इस दिवाली में बढ़ गया है। ऐसे में मिट्टी के कुल्हड़ मिठाइयों के लिए बर्तन की डिमांड भी बढ़ गई है, जिसका फायदा कुम्हारों को हो रहा है। कुल्हड़ बनाने वाले अपू कुम्हार बताते हैं कि मिठाई वालों ने इस बार बड़ी संख्या में कुल्हड़ और मटकी तैयार करने को कहा है। अलग अलग साइज के कुल्हड़ की डिमांड बढ़ी है, इनमें 1 से 2 किलो तक मिठाई पैक की जा सकेगी। जब हम दुकान पर बनाते हैं, जो अपना पूरा कुल्हड़ जा रहा पूरा MP में, तो ये इसकी डिमांड है ना ज़्यादा हो चुकी है, मतलब दीपावली के लिए। तो ये आश्रम वाले, वो चाय वाले, दूध वाले सब हमारे यहाँ के कुल्हड़ लेके जाते, मिठाई वाले भी लेके जाते, और मतलब उसका रेट है 1.40 रुपये का कुल्हड़ है चाय वाले का, और बड़े रस्सी वाले का। मिठाइयों के साथ साथ कुल्हड़ में चाय कॉफ़ी की मांग भी बढ़ी है। युवाओं में इसका ज़्यादा क्रेज़ होने के कारण शहर में कई नए नए टी कॉफ़ी शॉप भी खुल गए हैं। वहीं कुल्हड़ में स्वादिष्ट मिठाइयां राजधानी की कई स्वीट दुकानों पर उपलब्ध हैं। तो इस दिवाली आप भी सौंधी स्वाद से भरी रसीली मिठाइयों का लुत्फ़ उठाइए। भोपाल से अजीत तिवारी, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।